ओम नमः शिवाय, जय श्री महाकाल, हर हर महादेव। क्या आपके घर में काला जादू किसी ने करवा रखा है? आपका मन नहीं लगता घर में, आपके कोई काम नहीं बनते, आप अनायास ही परेशान होना शुरू हो जाते हैं। आपको जीवन में ऐसा लगता है कि जीवन में अब कुछ है ही नहीं, हमारे व्यापार नहीं चल रहा, पति पत्नी के बीच तनाव हो रहा, परिवार में तकलीफें हो रही है, जीवन के हर एक पहलुओं पर बहुत ज़्यादा तकलीफें हमें झेलना और स्ट्रगल फेस करना पड़ रहा है। हम सोच ही नहीं पा रहे कुछ अच्छा, बस दिमाग काम नहीं कर रहा है, हालात बहुत बद से बद खराब हो रहे हैं ये लगता है। और जब ये मन में प्रश्न उठता है कि शायद किसी ने कुछ करवा रखा है, अपना अड़ोसी पड़ोसी दोस्त मित्र ये बात आपके साथ कहते होंगे कि कहीं आपके ऊपर किसी ने कुछ करवा तो नहीं रखा, तब आप शायद बहुत सारे यत्न प्रयत्न करते हैं, करना भी चाहिए, क्योंकि एक व्यक्ति जब परेशान होता है तो सब तरह की चीज़ें करता है। लेकिन कभी आपने सोचा है कि ये जो आपकी परेशानियाँ, आप जिस भी लाइफ में जी रहे हैं, इसके पीछे कौन जिम्मेदार है? तो आज विस्तारपूर्वक इन बातों को समझ लें, आपकी मदद के लिए ये बहुत बड़ा वीडियो है दोस्तों। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, कमेंट्स में भोलेनाथ का नाम लिखें। चाहते हैं अपनी कुंडली का विश्लेषण हमसे करवाना, स्क्रीन पर नंबर चल रहे हैं, व्हाट्सएप पर अपॉइंटमेंट लेकर हमसे बात करें, उसका शुल्क और फीस लागू है दोस्तों। सबसे ज़्यादा जातक ये गलती करते हैं कि जब नेगेटिविटी और जब हम नकारात्मकता में जाते हैं, इसके पीछे एक मूल वजह होती है कोई टेंशन जो आपके दिमाग को एकदम गहराई से चोट कर दिया है उस बात ने। तो वो टेंशन को सबसे पहले तो आप ढूंढें कि आपको ऐसा कौन सा टेंशन है। वो टेंशन आपको नहीं समझ आए और नहीं है तो दूसरा एक मूल वजह होता है ओवरथिंक। हम बहुत ज़्यादा सोचते रहते हैं ऐसा हो जाएगा वैसा, तो एक अज्ञात डर मन में पलना शुरू हो जाता है। तीसरी गलती हम ये करते हैं, बहुत ज़्यादा नेगेटिव लोगों के साथ रहते हैं जो नकारात्मक, बस उनके जीवन में उनका जीवन ही नकारात्मकता है और नकारात्मकता है, और वो नकारात्मकता हमें भी हावी हमारे ऊपर होकर हम भी बहुत नेगेटिव हो जाते हैं, पहले नहीं थे पर अब हो चुके हैं। चौथा वो कि क्या हम जो काम कर रहे हैं, जिस भी काम में हम कर रहे हैं, क्या हम उससे खुश हैं? क्योंकि उससे खुश नहीं है इसका मतलब है कि वो जो ना खुश रहने की जो दिमाग में एक पूरा माइंडसेट बनेगा वो बहुत भयानक हो सकता है। तो उस चीज़ से भी हमें बाहर निकलना, और सबसे महत्वपूर्ण बात, इन सब चीज़ों को सही करें और गुरु मंत्र का जाप करें, और आप एक बार हमसे कुंडली का विश्लेषण करवाएं।